हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम माय चैनल कोलकाता लव बर्ड। मैं अविनाश आप सबको एक बार फिर से वेलकम करता हूँ मेरा चैनल पे। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैं अपना थर्ड क्लास का जो चिक्स था मैंने उसको दिखा दिया था। तो इस आज का वीडियो में मेरा जो फोर्थ क्लास का जो प्रोग्रेस है मैं आज आपको दिखाऊँगा। तो चलिए, फोर्थ क्लास में जो मतलब सारा बार्स का तो चिक्स और एग है, तो जिनका चिक्स निकल गया है और काफ़ी बड़ा भी हो गया है कुछ पेयर का, तो उन सारा चिक्स को आज मैं चेक करूंगा और आपको प्रोग्रेस भी दिखाऊंगा। ये मतलब कुछ बार्स का फोर्थ क्लास का भी प्रोग्रेस आ गया है फ्रेंड्स। तो चलिए दिखाते हैं फोर्थ क्लास का प्रोग्रेस। तो फ्रेंड्स, पहले इस पेयर को चेक करेंगे। ये वायलेट का साथ ब्लू मार्क्स का पेयर है। लास्ट क्लास में इसने 6-6 दिया था, जिसमें 2 वायलेट मार्क्स आया था और 4 मतलब 3 आपका ब्लू मार्क्स आया था और 1 मॉप मार्क्स आया था। तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस था। तो इस क्लास का देखते हैं क्या प्रोग्रेस है। चिक्स तो निकल गया, मैंने देखा था कितना क्या चिक्स निकला और कितना बड़ा भी हुआ वो सब चिक्स। अभी आपके साथ मैं चेक कर लेता हूँ, पहले बॉक्स को बाहर कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो बॉक्स को बाहर लेके चला आया फ्रेंड्स। इस क्लच में भी 6 चिक है फ्रेंड्स, मैं थोड़ा बाहर करके आपको दिखाता हूँ। इस क्लच का भी फ्रेंड्स इसने मतलब 6 चिक ही दिया था, मतलब 6 एग ही दिया था और 6 भी निकल गया और काफ़ी बड़ा भी हो गया। बहुत अच्छा प्यार है, हर क्लास में 6-7 करके चिक्स निकालता है। ये इनका थर्ड क्लास है। तो फ्रेंड्स, ये तो ब्लू मार्क्स पे आ रहा है, ये देख कर तो पता चल रहा है। ये भी ब्लू मार्क्स पे आ रहा है। ये शायद वायलेट में आएगा, अभी बहुत छोटा है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन शायद ये वायलेट पे आ सकता है। ये भी ब्लू मार्क्स पे भी आया है फिर। ये शायद वायलेट मार्क्स पे आ सकता है, अभी ठीक से पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये भी वायलेट मार्क्स पे आ सकता है। ठीक है, एक्चुअली वायलेट के साथ वायलेट का पेयरिंग होता तो अच्छा होता, क्योंकि एक तो ब्लू है और एक वायलेट है, तो ऐसा पेयर में मैक्सिमम सब ब्लू में ही आता है, वायलेट में कम ही आता है। और ये शायद वायलेट पे आ सकता है। तो फ्रेंड, 3 ब्लू में आ रहा है और 3 शायद वायलेट पे आ सकता है, अभी श्योर नहीं है और थोड़ा बड़ा होने के बाद पता चलेगा वो ब्लू में आ रहा है या वायलेट में आ रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस है। फास्ट बॉक्स का प्रोग्रेस बहुत ही अच्छा है, 6-6। ठीक है, चलिए अभी दूसरा बॉक्स में देखते हैं। अभी इस पेयर को देखेंगे फ्रेंड्स। ये मेरा मतलब 100/25 का ब्लड लाइन का मेल है, पहले इसको देख लीजिए। और इसके साथ हॉलैंड क्रॉस का फीमेल है। तो इसका 2 चिक है, काफ़ी बड़ा हो गया होगा, मैंने लास्ट जब देखा था 2 ही चिक था। तो आज थोड़ा चेक कर लेते हैं। हाँ फ्रेंड्स, देखिए इसका 2 ही चिक है और चिक काफ़ी बड़ा हो गया है। एक फीमेल है और एक तो ये उसका पापा का दाना आ रहा है मेहंदी कलर में। ये चिक्स का देखना पड़ेगा साइज क्या आता है। और एक दूसरा जो है ऐसा दूसरा, ये भी मतलब मेहंदी कलर में आ रहा है। दोनों ही पापा का दाना आ रहा है,
तो देखते हैं इसका साइज और हेल्थ कैसा आता है। अभी तो छोटा है, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, रख देते हैं, चलिए नेक्स्ट बॉक्स में जाते हैं। अब इस बॉक्स को देखेंगे, ये भी मेरा हॉर्न क्रॉस के साथ, मतलब हॉर्न क्रॉस का मेल है और ये फीमेल है। तो इसका लास्ट में जब देखा था 5 चिक्स था, जिसने 7 एग दिया था, जिसमें तो 5 चिक्स था। अभी थोड़ा देख लेते कैसे क्या प्रोग्रेस बा, कैसे क्या ग्रोथ चल रहा है चिक्स का। तो बॉक्स को बाहर कर लेते, उसके बाद दिखाते हैं आपको। हाँ सर, 5 चिक्स बिल्कुल सही है, देख लीजिए। थोड़ा बाहर कर लेते हैं थोड़ा चिक्स को। ये सबसे छोटा है, इसका हेल्थ एकदम ठीक है फ्रेंड्स, सारा चिक्स एकदम हेल्दी है। ठीक है, वही चेक करना था। 5 चिक्स को देख लीजिए, ठीक है, रख देते हैं। अभी ये ऊपर का प्यार है फ्रेंड्स, एक ग्रीन के साथ, ग्रीन का ही फीमेल है। तो इसने भी एक दिया है, 7 एग दिया है। तो इसका भी चिक अभी निकलने वाला है, जो एक दिन में जब चिक निकलेगा तब चेक करेंगे। अभी बगल में आइए, ये भी मेरा किंग साइज का साथ हेलीकॉप्टर, मतलब होमोरोमो सिंगल साइज एल्बिनो का प्यार है, फीमेल का। इसको मैंने पहले आपको दिखाया था, तो अभी फाइनली एक दे दिया है। इसका भी चिक जब निकलेगा मैं आपको प्रोग्रेस दिखाऊंगा। अब नीचे आ जाइए, और ये प्यार इसका साथ एल्बिनो का फीमेल है। इसका तो 5 चिक था, जो मैं पिछले वीडियो में दिखा था, सेपरेट कर दिया। तो फीमेल ने फिर से एक दे दिया। और नीचे आइए, और इसका भी 4, इसका भी 5 चिक था, तो वो भी मतलब सेल हो गया, उसको भी मैंने सेपरेट कर दिया। और फीमेल फिर से एक दे दिया है। तो ये लोग का भी तो चिक निकलने का थोड़ा टाइम लगेगा, तो जब चिक निकलेगा तब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी चलिए फिर से लाभबर्ड में जाते हैं, लाभबर्ड का प्रोग्रेस दिखते हैं। लूटू में फिशर है फ्रेंड्स, तो इसने 4 एग दिया था। तो इसका प्रोग्रेस थोड़ा देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका 2 चिक निकल गया है। एक्चुअली इसका तो 1 था, 4 एग, वो मैंने फॉस्टरिंग किया था, और लूटिनो ऑफलाइन का चिक्स को मैंने इधर दिया था। तो ये जो चिक्स आपको दिखाई दे रहा है, लूटिनो ऑफलाइन का है। तो आप बाहर करके थोड़ा देख लेते हैं चिक्स को। बहुत ही अच्छा ग्रो। एक्चुअली क्या है, फीमेल ने पिछले बार भी 2 टाइम एक दिया था, लेकिन कोई भी मतलब एक क्लास में तो चिक्स निकला था, लेकिन उसका कोई प्रोग्रेस नहीं आ रहा था, चिक्स को पाल नहीं पा रहा था। इसलिए मैंने 3rd टाइम का एक दो है वो मैंने फॉस्टरिंग कर दिया था। लेकिन एक तो लूटिन ऑफलाइन आ रहा है फ्रेंड्स, और मतलब इसका तो ये मतलब हेड में कोई भी लूटिन ऑफलाइन का मार्किंग नहीं आ रहा है। एक चिक्स को थोड़ा देखना पड़ेगा, एक चिक्स क्या आ रहा है, तो पूरा येलो ही आ रहा है। अरे तो लूटिनो ऑफलाइन ठीक है, जैसे उसका मम्मी पापा है ऐसे ही आ रहा है। ये रेडाई भी है, तो ये रेडाई नहीं है, लेकिन ये रेडाई है फ्रेंड। ठीक है, देखेंगे फाइनली क्या होता है चीज को। तो रख देते हैं, तो इस टाइम तो इसने चिक को पाल लिया फ्रेंड्स, मतलब अभी इसका एक फॉस्टरिंग करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट टाइम में इसका जो एग है वो मैं फॉस्टरिंग नहीं करूँगा। अभी नीचे आ जाइए, नीचे भी मेरा 2 प्यार लूटिनो फिशर मेरा ही है। तो इसने भी तो फर्स्ट क्लास का कोई प्रोग्रेस मुझे नहीं मिला था। अभी 2nd टाइम एग दिया है, और अभी चिक निकलने का भी टाइम हो गया है, 2-1 दिन में चिक निकलेगा। तो मैं नेक्स्ट प्रोग्रेस में मैं इनका भी थोड़ा चेक करूँगा, और कोई प्रोग्रेस आएगा तो मैं आपको दिखाऊँगा। अभी चलिए नेक्स्ट बॉक्स में जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी होगोरोमो का इसका तो 4 चिक्स था, 4th चिक्स जो सेल्फ हो गया था, और अभी सेल भी हो गया है। तो फीमेल फिर से एक दे दिया है, अभी जब चिक्स निकलेगा तब आपको दिखाएंगे। अभी इधर आ जाइए,
इधर भी केस्टर के साथ मेरा होगरोमा स्प्लिट का है, इसमें भी तीन क्लच में मतलब चिक्स निकला था, अभी फोर्थ टाइम इसने भी एक दे दिया है, तो इसका अगर मतलब जब चिक्स निकलेगा मैं आपको दिखाऊंगा। अभी नीचे आ जाइए, इसका चिक्स निकल गया है फ्रेंड्स, तो इसको थोड़ा चेक करेंगे कितना क्या चिक्स निकला है, चिक्स कितना बड़ा हुआ है वो आज चेक करेंगे। और नीचे का जो प्याज है तो फ्रेंड्स इस टाइम इसका एक ख़राब हो गया था, इसलिए चिक्स नहीं आया, सभी सारा एक ख़राब हो गया था, तो फिर से फीमेल ने एक दे दिया है। अभी नीचे आइए, इसका तो प्रोग्रेस अभी तक कुछ नहीं मिला फ्रेंड्स, स्पैंगल के साथ मेरा एल्बिनो डबल साइडर होगरोमा प्याज है, तो मेरा तो कोशिश जारी है, देखते हैं क्या होता है, कोई प्रोग्रेस मिलेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। और नीचे आइए, और नीचे फ्रेंड्स ये येलो के साथ ब्लू का मेरा होगरोमा का प्याज है, इसका फास्ट एक दिया था, बहुत मेहनत के बाद इस ये लोग मतलब बीडिंग पे आया था, लेकिन फास्ट क्लास में फाइव एक दिया था वो ख़राब हो गया था, तो सेकंड टाइम फिर से एक दिया है, तो इनका भी चिक निकलने का टाइम हो गया, दो चार दिन में शायद निकल जाएगा, तब मैं चेक करूँगा आपको दिखाऊँगा। तो जिसका चिक निकल गया है उनका थोड़ा चेक कर लेते हैं, आइए। तो फ्रेंड्स इसका बॉक्स में ओपन किया, बॉक्स बाहर नहीं आते क्योंकि अभी एग है, तो इसका इसका जो है चार चिक्स मुझे दिखाई दे रहा है और दो एक है और पीछे भी एक तो छोटा चिक्स है, एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं। फ्रेंड्स इस बार इसने एक दो तीन चार पाँच छः छः चिक्स है फ्रेंड्स, दो चिक बड़ा हो गया है और चार चिक्स अभी छोटा है, आपको शायद दिखाई दे रहा है, छः चिक्स है मतलब इस टाइम इसने एट एक दिया था, तो चार चिक छोटा है और दो चिक बड़ा हो गया है और दो एग अभी है, तो ठीक है इसको बाहर नहीं करते, नेक्स्ट वीक में जब चेक करेंगे तब इसको बाहर करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा प्यार है, हर क्लास में सिक्स सेवन करके चिक्स निकलता है, मतलब एक फोर्थ क्लास है उसका, तो हर क्लास में पाँच छः, लास्ट क्लास में तो सात चिक्स निकला था, मैंने आपको प्यार किया था, इस बार भी छः चिक्स तो दिखाई दिया, बाकी दो एक देख लेते क्या होता है। अभी आइए, अभी ये लुटेर फिशर है, तो ये मेरा पिछले साल का प्यार है, तो इसका मैंने तीन चिक देखा था, तो देख लेते वो चिक कैसा क्या है, पहले बॉक्स को बाहर कर लेते उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स बॉक्स को बाल लेके चला आया, तीन ही चिक है फ्रेंड्स, एक एक चिक खराब हो मतलब एक एक खराब हो गया, एक खराब हो गया, पिछले कैच में भी इसने तीन चिक ही दिया था, ठीक है रख देते फ्रेंड्स। तो प्यार को देख लीजिए फ्रेंड्स, अभी नीचे आइए, ये भी लुटेर फिशर का है, इसने भी एक दिया है, इसका चिक जब निकलेगा मैं आपको दिखाऊंगा। अभी नीचे आइए, ये लुटेर ऑफलाइन है मतलब इसका एक मैंने फास्टरिंग किया था, इसका नीचे मैंने लुटेर फिशर का एक मतलब फास्टर किया था, अभी थोड़ा देख लेते क्या है। तो एक ही चिक है फ्रेंड्स, अरे ब्लैक आई में आया है, क्योंकि इसका जो जिसका एक मैंने फर्स्टिंग किया था वो एक रेड आई था एक ब्लैक आई था, तो ये ब्लैक आई में ही आ रहा है, ठीक है चलिए अब नेक्स्ट बॉक्स में देखते हैं, चेक करते हैं। इसका भी मतलब लुटेर फिशर रेड आई का एक फर्स्टिंग किया था मैंने, इधर लुटेर और मॉक मतलब किमिनो का प्यार है, तो मैं फर्स्टिंग पर्पज़ ही यूज़ करता हूँ उस प्यार को, तो फोर एक मैंने इसको फर्स्टर किया था, अभी थोड़ा देख लेते हैं। हाँ फ्रेंड्स
तीन चिक निकल गया है, मतलब तीन चिक काफ़ी बड़ा भी हो गया है। ये सब लूटने फीसर एडाई का चीक से फिर फोर एक फर्स्ट टाइम किया था, एक एक साइज खराब हो गया और तीन चीज है। ठीक है, अच्छा प्रोग्रेस है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट बॉक्स में जाते हैं। नहीं फ्रेंड्स, चार ही चीक निकला था लेकिन एक चीक एक्सपायर कर दिया किसी वजह से, और तीन चीक मतलब फोर एक में फोर ही चीक निकला था, जिसका अपने जिसको अपने मैंने दो चीक दिखाया था लुजिन ऑफलाइन का, उसका ही चार चीक मतलब चार एक मैंने फर्स्ट टाइम किया था। चार ही एक फाटल था, चीक भी निकला था लेकिन आप फोन एक चीक एक्सपायर कर दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये ब्लू मार्क्स था, कोबाल मार्क्स है, तो इसका भी चिक निकल गया है। देख लेते हैं इसका लास्ट प्रोग्रेस चेक करते हैं, क्योंकि अभी टाइमिंग खत्म होने वाला है वीडियो का, तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी प्रोग्रेस दिखाऊंगा, लास्ट इसका भी प्रोग्रेस चेक कर लेते हैं। तो बॉक्स को बाहर ले आया फ्रेंड्स, चार चिक्स है इसका, एक कोबाल पे आ रहा है। तो फ्रेंड्स दो कोबाल पे आ रहा है और दो ब्लू पे आ रहा है। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं फ्रेंड्स, मुझे नेक्स्ट वीडियो में अगर प्रोग्रेस पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।